आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मामूली विवाद में दोस्तों ने ही की थी अपने दोस्त अमरनाथ वर्मा की ईंट से कूचकर निर्मम हत्या। दो अभियुक्त को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया सनसनीखेज खुलासा। नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय शरद मेले का मंडलायुक्त ने फीता काट कर किया शुभारंभ। मेले का किया अवलोकन। स्टॉल लगाने वाले लघु उद्यमियों से वार्ता कर किया उनको प्रोत्साहित। 40,000 लोगों ने मिलकर गाया वंदे मातरम। उतारी भारत माता की आरती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे राजेंद्र लाहड़ी की भतीजी गीता लाहड़ी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के पास लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के साथ सीपीआरओ ने किया निरीक्षण। कहा, 500 लोगों के बैठने वाले ऑडिटोरियम का जल्द होगा निर्माण पूरा। आयोजित हो सकेंगे विभिन्न कार्यक्रम, मिलेगी सहूलियत। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर MSI इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में आयोजित हुआ एक कार्यक्रम। अल्पसंख्यक समाज को दी गई शासन के योजनाओं की जानकारी। मकर संक्रांति के दृष्टिगत गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था का एसपी सिटी ने किया समीक्षा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यातायात पुलिस ने विभिन्न चौराहों के आसपास यातायात बाधित कर रहे व नो पार्किंग में खड़े 60 दोपहिया चार पहिया वाहनों को MV एक्ट में किया चालान। सड़क के दोनों तरफ खड़े ठेला खोमचा वालों को पीछे किया व्यवस्थित। दी चेतावनी। कहा, यातायात बाधित होने पर की जाएगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। शनिवार को मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन के स्थापना का ADM सिटी द्वारा केक काटकर मनाया गया द्वितीय वर्षगांठ। कहा, अब तक 66 विक्षिप्त महिलाओं को इलाज के बाद मिलाया जा चुका है उनके परिजनों से, भेजा गया है उनके घर। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 305 केंद्रों पर 24,334 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,725 और सेकेंड डोज लेने वालों में 15,609 लोग रहे शामिल। एडिशनल CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शनिवार को MSI इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित हुआ मॉक ड्रिल। आगजनी जैसी आपदा से बचाव की दी गई जानकारी।